बेल्जियम से आए सभी मेहमानों का हम इस पूजन समारोह में विशेष स्वागत करते हैं। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो सिस्टर मेटिल्डा से आग्रह है कि हमारे मेहमानों को भक्त मंडली की ओर मुखातिब करें। हम तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट से आज खुशी है कि रास्कट परिवार ने छोटा नागपुर की धरती को एक ईश सेवक दिया, एक शहीद धर्मात्मा को दिया। कितनी खुशी की बात है कि आज वे हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। कृपया आप अपनी जगह पर वापस चले जाइए। 8 बज चुके हैं, समय हो चुका है। निर्मला कॉलेज की छात्राएं प्रवेश नाच के लिए तैयार हैं। हमारी गायक मंडली हमारी भक्ति बढ़ाने में सहयोग करने के लिए तैयार है। हम सब प्रवेश गीत शुरू करें।
आज की पावन सुबह हम सब यहाँ पर एकत्र हैं। हमारे बीच आज के मुख्य अनुष्ठाता रांची महाधर्म प्रांत के आर्च बिशप अति माननीय फेलिक्स टोप्पो येसु समाजी आज के पवित्र मिस्सा का शुभारंभ करेंगे। कृपया सब कोई खड़े हो जाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रिय भाई और बहनों, हम इस सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीवंस की मृत्यु की सालगिरह पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम विशेष रूप से परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि उनके और उनके सहयोगियों के माध्यम से ईश्वर ने हमारी धरती पर प्रभु का प्रकाश लाया और हमें बहुत सारे वरदान दिए हैं, और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और साथ साथ प्रार्थना करें कि फादर कॉन्स्टेंट लीवंस की जो चुनौती है, आग को जलने दो, तो हम भी आग को जलने दें, प्रभु के प्रकाश, प्रभु के प्यार, प्रभु की करुणा को फैलाते रहें। चलिए अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। I'm
प्रार्थना करें, हे ईश्वर तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए हैं जिन्हें न आँखों ने देखा न कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपने प्रेम की धारा प्रवाहित कर ताकि हम सब कुछ में और सबसे बढ़कर तुझे प्यार करें और उस प्रतिज्ञा के भागी बन जाएं जो मानवीय कल्पना के परे है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीवन्स ने हम सबों को न केवल विश्वास दिया परंतु आत्मविश्वास भी, और ये आत्मविश्वास और विश्वास की बीज ईश वचन से आता है। अभी बाइबल जुलूस होगा, कांके पल्ली की जनता बाइबल जुलूस लेकर के आएगी हम सब भक्तिमय होकर ईश वचन से पोषित होने के लिए मन ही मन प्रार्थना करें।
बहुत ही सांकेतिक ढंग से फादर लीवेंस की शक्ल में घोड़ा लिए हुए इस वचन को, बाइबल की पुस्तिका को हमने स्वागत किया। संतन्ना की पुत्रियों के पौराणिक परिधान में जुलूस की शक्ल में आई थी बहनें। यही वो धर्म संघ है जिसने विश्वास को गहराई की ओर लिया। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम सब आए, अपना दिल तैयार करें, अपना मन तैयार करें प्रभु के वचन को सुनने के लिए। आज का पहला पाठ मक्काबियों के ग्रंथ के दूसरे अध्याय से लिया गया है। इसे पढ़ेंगे हुल्लुंडपल्ली के श्री अभिजीत पॉल टप्पो। इसी बीच मैं आग्रह करता हूं रांची पल्ली के डॉक्टर पुनीत सोरेंग, श्रीमती नीलिमा धान, श्रीमती कुमकुम कौल, श्रीमती सौम्या कुजूर और श्री आकाश मेंज कृपया मंच की ओर आ जाएं। पहला पाठ विदेशी राजा अंतियोक एफिफानेस यहूदियों पर अत्याचार करता था। वह मूसा संहिता के नियमों के विरुद्ध लोगों को सुअर का मांस खाने के लिए बाध्य करता था। सात भाई गिरफ्तार किए गए थे। उन्हें पुनरुत्थान पर पक्का विश्वास था, इसलिए उस विश्वास का साक्ष्य देते हुए वे शहीद हो गए। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1-2 9-14। पाठ का मुख्य वाक्य है, संसार का राजा हमें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। सात भाई अपनी माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था कि वे सुअर का मांस खाएं, जो संहिता में मना किया गया है। उनमें से एक ने दूसरों का प्रतिनिधि बनकर कहा, तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? अपने पूर्वजों की संहिता का उल्लंघन करने की अपेक्षा हम मर जाना अधिक पसंद करेंगे। दूसरे भाई ने प्राण त्यागते समय कहा, रे दुष्ट, तुम हमसे यह जीवन छीन ले सकते हो, किंतु संसार का राजा, जिसके नियमों के लिए हम मर रहे हैं, हमें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। इसके बाद वे तीसरे भाई को उत्पीड़ित करने लगे। जब उससे जीभ निकालने को कहा गया तो उसने ऐसा ही किया और यह कह निधड़क अपने हाथ बढ़ाए, ईश्वर की ओर से मुझे ये अंग मिले और उसके नियमों की रक्षा के लिए मैं इसकी परवाह नहीं करता। मेरा विश्वास है कि ईश्वर इन्हें मुझको लौटा देगा। राजा और उसके परिजन युवक का साहस तथा यातनाओं में उसका धैर्य देखकर अचंभे में पड़ गए। जब यह मर गया तो वे चौथे भाई को इसी प्रकार की घोर यातनाएं देने लगे। वह मरते मरते चिल्ला उठा, यह अच्छा ही है कि हम मनुष्यों के हाथों मर जाएं, क्योंकि हमें ईश्वर की इस प्रतिज्ञा पर भरोसा है कि वह हमें
पुनर्जीवित कर देगा, किंतु तुम्हारे लिए नवजीवन का पुनरुत्थान नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आज का दूसरा पाठ थेसलनीकियों के नाम संत पौलुस के पत्र के दूसरे अध्याय के पद संख्या 16 से तीसरे अध्याय के पद संख्या 5 तक लिया गया है। इस प्रभु वचन को पढ़कर सुनाएंगी मांडरपल्ली की सुश्री बिबियाना एक्का। दूसरा पाठ। आज के पाठ का संदेश है, यहाँ इजराइल के प्रधान याजक तथा यीशु मसीह की तुलना की गई है। यीशु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया था, जिससे हम उनके प्रत्यागमन तक निष्पाप जीवन बिताएं और अपने को एक पवित्र बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अर्पित करें। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 24 से 28। पाठ का संदेश है, मसीह बहुतों के पाप हर लेने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। यीशु ने उस हाथ के बने मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक
मंदिर का प्रतिरूप मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया, जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। यीशु को उसी तरह बार बार अपने को अर्पित करने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुए, जिससे वह आत्म बलिदान द्वारा पापों को मिटा दे। जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हर लेने के लिए एक ही बार अर्पित हुए, वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे। पाप के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आज का पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अध्याय 20 पद संख्याएं 27 से 38 तक लिया गया है। आज के इस पवित्र दिन में सुसमाचार की घोषणा करेंगे रांची कैथीड्रल पल्ली के पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर आनंद डेविड खलखो। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी कुछ सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता।
उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को विवाह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे, पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को विवाह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते हैं और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते, वे तो स्वर्गदूतों के सादृश्य होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हम सबों ने प्रभु का वचन सुन लिया है। आज के प्रभु के वचन और ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीवन्स के जीवन पर चिंतन करते हुए हमारे समक्ष अपने विचार देंगे रांची यीशु संघ के प्रोविंशियल श्रद्धेय फादर अजित कुमार खेस। अति मान्यवर महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो यीशु समाजी, सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बहने, धर्म बंधुगण एवं मसीही माता पिता, भाइयों एवं बहनों, एक अंधेरे कमरे में 5 दिए जल रहे थे और ये 5 दिए थे जिनका नाम था प्रेम का दिया, शांति का दिया, विश्वास का दिया, खुशी और आशा के दिए। और इन 5 जलते हुए दिए से पूरा अंधेरा जो था वो प्रकाशमान हो गया और बहुत सुंदर वो कमरा लग रहा था। ये 5 दिए एक दूसरे से बात कर रहे थे अपने बारे में और एक दूसरे के बारे में, लेकिन बातचीत करते करते 4 दिए एक एक कर बुझने लगे। सबसे पहले प्रेम का दिया अन्य दियों से कहता है, मुझे इस दुनिया में जलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कभी मैं देखता हूं प्रेम नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, प्रेम का दुरुपयोग हो रहा है, प्रेम को बदनाम किया जा रहा है, चारों ओर ईर्ष्या द्वेष झगड़े हो रहे हैं, लोगों के दिल में प्रेम नहीं है, तो मैं क्यों जलूं? और ऐसा कहते हुए
वो प्रेम का दिया हवा के झोंकों से बुझ जाता है। इसके पश्चात शांति का दिया अन्य दियों से कहता है, मुझे भी जलने की जरूरत नहीं है। आज लोगों के मन में हृदय में शांति नहीं है, बेचैनी है, अशांति है, और मैं क्यों जलूं? लोग मुझे जलने नहीं देते हैं। और ऐसा कहते वो शांति के दिए भी हवा के हल्के से झोंकों से बुझ गए। तत्पश्चात विश्वास का दिया अन्य जो जलते हुए दिए थे उनसे कहता है, शायद मुझे भी जलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग मुझे जलने नहीं दे रहे हैं। आपस में अविश्वास या विश्वास की जो भावना थी वो लोगों में खत्म हो जा रही है। लोग एक दूसरे को विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास जो था वो खत्म हो गया है। और ऐसा कहते वो विश्वास का दिया भी हवा के हल्के से झोंके से बुझ गया। तब बारी आती है खुशी के दिए। खुशी के दिए ने भी बहुत ही बेचैनी से कहा, मैं भी कैसे जलूं जब मैं लोगों को देखता हूं उनके जीवन में खुशी नहीं है, खुशी खत्म हो गई है। सभी लोगों के चेहरे पर चिंता है, बहुत प्रकार के कष्ट हैं, उनमें खुशी के भाव मैं नहीं देख पाता हूं। मैं क्यों जलूं, मैं कैसे जलूं, लोग मुझे जलने नहीं देते हैं। और ऐसा कहते खुशी का दिया भी हवा के झोंकों से बुझ गया। और इसी समय उस छोटे से कमरे में एक छोटा सा बालक, एक छोटे से बच्चे प्रवेश करते हैं, और वो सामने में देखता है पांच दिया है, पांच दीपक है, लेकिन पांच में से चार बुझे हुए हैं, और उसे बहुत कष्ट होता है। वह दुखी होता है और रोना शुरू करता है उन चार दियों को बुझे हुए देखकर। प्रेम के दिए, शांति के दिए, विश्वास और खुशी के दिए को बुझे हुए देखकर रोने लगता है। लेकिन एक दिया जल रहा है और वह दिया है, वह दीपक है, आशा का दीपक। उस छोटे बच्चे को रोते हुए देखकर आशा का दीपक पूछता है, बेटे क्यों तुम रो रहे हो? वो छोटा लड़का कहता है कि ये जो पांच दिए जल रहे थे कितना सुंदर लग रहा था, कितना अर्थपूर्ण लग रहा था, ये कमरा कितना प्रकाशमान था, लेकिन वो चार दिए बुझ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इसलिए मुझे बहुत दुख है, मैं रो रहा हूं। और तब आशा के दिए उस छोटे लड़के से कहता है, बच्चे तुम रो मत, मैं अभी तक जल रहा हूं, मैं अभी तक जल रहा हूं, तुम मेरे जलते हुए लौ से उन चारों बुझी हुई जो दीपक हैं उससे जलाओ। और ये छोटा लड़का बहुत खुश होता है, वो जाता है आशा के दिए के जलते हुए लौ से वे और चारों जो बुझे हुए दीपक हैं उससे जला देता है, और पूरा कमरा पुनः प्रकाशमान हो जाता है। उस छोटे लड़के के चेहरे पे खुशी आ जाती है, पुनः प्रेम, शांति, विश्वास, खुशी और आशा के जीवन के दीपक जल उठते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम अपने सामने तीन लिखे हुए शब्द देख रहे हैं, आग जलती रहे, आग जलती रहे। ये शब्द इस सेवक फादर लीवंस के शब्द हैं जो हमारे सामने वेदी के समक्ष अंकित हैं। आग, अगर आप देखेंगे मानव इतिहास को, आग मनुष्य के सबसे पुराने आविष्कारों में से एक है, और इसके आविष्कार ने मनुष्य की बहुत सारी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रकाश देने में,
खाना पकाने में, गर्म करने में और सुरक्षा देने सहित कई गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाइबल में भी आग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और जो विभिन्न संदर्भों में उसका प्रतीक है। मैं संक्षेप में बाइबल में दिए गए विभिन्न उद्धरणों को लेकर जो 7 विभिन्न प्रतीक हैं आग के, उन्हें आपके समक्ष रखना चाहूँगा। सबसे पहले बाइबल में आग ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 13 पद संख्या 21 में अंकित है, प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंभे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था, जिससे वे दिन और रात में भी यात्रा कर सकें। मुख्य रूप से आग ईश्वर की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है और इसी का प्रतिनिधित्व हम मूसा के जो आह्वान थे ईश्वर की ओर से उससे देखते हैं। मूसा ने भी जलती हुई आग में ईश्वर के दर्शन किए, मुलाकात की, उससे बातचीत की। दूसरे प्रतीक हैं नए नियम के प्रतीक के रूप में, जैसे संत लुकस के अध्याय 3 पद संख्या 16 में है, आग नए नियम का प्रतीक है, जिसमें योहन कहते हैं, इसलिए योहन ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य नहीं हूं, वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। मती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या पर आग एक शाश्वत विनाश का भी प्रतीक है। इसमें लिखा हुआ है, तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। पुनः हम प्रेरित चरित की अध्याय 2 पद संख्या 3 में पाएंगे कि आग पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतीक है, पवित्र आत्मा का प्रतीक है, जिसमें हम पाते हैं उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। इसके साथ साथ आग विनाशकारी शक्ति का भी प्रतीक है। याकूब के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में हम पाएंगे, इसी प्रकार जीव शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। इसाईस नबी के ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 15 में आग भगवान के क्रोध का प्रतीक है, ईश्वर के क्रोध का प्रतीक है, जिसमें कहा गया है, देखो प्रभु अग्नि लेकर आएगा, उसका रथ बवंडर के सदृश है, वह आग से अपना क्रोध शांत करेगा, धधकती ज्वालाओं से अपना प्रकोप। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं ईश्वर निश्चय ही हम में से प्रत्येक को प्यार करते हैं, अपने क्रोध को प्रकट नहीं करते हैं। जखारिया से ग्रंथ में पुनः पाएंगे आग शुद्धिकरण का प्रतीक है। इसमें लिखा गया है, और मैं इस तीसरे को आग में डालूंगा और उन्हें ऐसा शुद्ध करूंगा जैसा कोई चांदी को शुद्ध करता है, और उन्हें ऐसे परखूंगा जैसे सोना परखा जाता है, वे मेरा नाम लेंगे और मैं उनको सुनूंगा, मैं कहूंगा वे मेरे लोग हैं, और वे कहेंगे प्रभु मेरा ईश्वर है। अंत में उत्पत्ति ग्रंथ में पुनः लिखा गया है अध्याय 19 पद संख्या 24 में, आग न्याय का प्रतीक है। इसमें लिखा है, उस समय प्रभु ने सोदोम और गोमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई।
न्याय की बात करते हैं। आग न्याय का प्रतीक है। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम ईश सेवक फादर कॉन्स्टन लीवंस की ये तीन शब्द अपने सामने देखते हैं, आग जलती रहे, लीवंस ने कौन सी आग लेकर आई, लीवंस ने कौन सी आग हमारे पुरखों को, हमारे माता पिता को, हमारे भाई बहनों को जला को दी, जिससे हमें जलाना है, जलते रहना है। निश्चय ही लीवंस ने प्रेम की, दया की, क्षमा की, सहानुभूति की, शांति, न्याय, सत्य, भाईचारा और एकता की आग लेकर वे हमारे बीच आए और उस आग को हमारे बीच उन्होंने बांटा, जलाया। वही लोग जला पाएंगे जिसमें स्वयं में आग है, जिसमें स्वयं में ज्योति है। और इसलिए फादर कॉन्स्टन लीवंस उसी प्रभु के वचन को उन्होंने सुना जिसमें कहा गया, यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। और प्रभु के इसी आदेश को सुनकर, प्रभु के इन्हीं वचनों को सुनकर आज से 137 साल पहले कॉन्स्टन लीवंस बेल्जियम से हमारी मातृभूमि छोटा नागपुर आई। और शुरू में जैसे कि फादर फ्रांसिस ने उनकी संक्षिप्त जीवनी कही, उनका जन्म 10 अप्रैल 1856 में मुसलेद बेल्जियम में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुसलेद पारिस स्कूल में की। सन 1877 में ब्रुज के माइनस सेमिनरी में दाखिला लिया। सन 1878 में वे यीशु समाज के नवशिष्यालय में प्रवेश करते हैं और इसके तुरंत पश्चात प्रथम मन्नत के बाद फादर प्रोविंशियल उन्हें वेस्ट बंगाल भारत भेजते हैं। करसियोंग दार्जिलिंग से उन्होंने ईश शास्त्र की पढ़ाई की और 1884 में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। इसके तुरंत बाद वे छोटा नागपुर भेजे गए। 18 मार्च 1885 को फादर कॉन्स्टन लीवंस रांची पहुंचे और जैसे कि हम जानते हैं कि उनका पहला पड़ाव जमगाई हुआ। यहीं से उसका मिशन कार्य शुरू हुआ। कुछ समय के पश्चात वे तोरपा चले गए, जहां पर पोस्ट ऑफिस और थाना की व्यवस्था थी। वहां उन्होंने करीबी से यहां के आदिवासियों की दशा देखी और उन्हें बहुत पीड़ा हुई। भोले भाले आदिवासी जमींदारों द्वारा शोषित एवं पीड़ित थे। उनकी जमीन लूटी जा रही थी। तब उन्होंने कानून सीखा और कानून के माध्यम से आदिवासियों की जमीन की रक्षा की। सन 1887 में फादर कॉन्स्टन लीवंस रांची वापस आए और यहीं से उन्होंने गरीबों, शोषितों, आदिवासियों के हक एवं सम्मान के लिए संघर्ष पूर्वक कार्य किया। उनका स्वास्थ्य साथ नहीं देने के कारण वे वापस बेल्जियम गए, इसी आशा से कि वे अपने लोगों के बीच रांची वापस आ पाए। लेकिन 7 नवंबर 1893 में वे बेल्जियम में मर गए। और आज हम उनकी 129वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। भाइयों बहनों, फादर लीवंस आदिवासियों के मसीहा हैं। वे एक बहुत बड़े मिशनरी थे और संत पापा फ्रांसिस भी यही कहते हैं, हरेक ख्रिस्तीय मिशनरी बनने के लिए, सेवकाई के लिए बुलाया गया है। हरेक ख्रिस्तीय को अपने जीवन में यीशु का साक्ष्य देना है। पवित्र बाइबल के प्रेरित चरित अध्याय 1:8 में कहा गया है, तुम मेरे साक्ष्य बनो, यू शैल बी माई विटनेस। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 20:21 के अनुसार, ख्रीस्त सबसे पहले पिता ईश्वर द्वारा भेजे गए, वे पिता के ईमानदार साक्षी बने रहे। हमें भी प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर का साक्ष्य ना केवल अपनी बातों से,
लेकिन अपने कार्यों से देना है। जैसे कि मैंने कहा कि निर्गमन ग्रंथ में मूसा के बुलावे का जिक्र किया गया है, जहां पर ईश्वर ने झाड़ी के बीच से मूसा को पुकारा, मूसा मूसा, और मूसा ने कहा प्रस्तुत हूं। फिर प्रभु ने कहा मैंने अपनी प्रजा के दुख को देखा है, उनकी पुकार सुनी है, उन्हें मैं मिस्रियों की दासता से छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें फिराउन के पास भेजता हूं, तुम मेरी प्रजा इसराइल को मिस्र से निकाल लाओगे। तब मूसा कहते हैं मैं कौन हूं जो यह काम कर सकता हूं। तब ईश्वर उसे आश्वासन देते हैं मैं तेरे संग रहूंगा, आई विल बी विथ यू। और वे कहते हैं मिस्र का राजा तुम्हें जाने नहीं देगा, मैं देखूंगा कि वह कैसे मेरी प्रजा को नहीं जाने देगा। फादर लीवंस ने भी आदिवासियों की पुकार सुनी ईश्वर के माध्यम द्वारा। फादर लीवंस को भी ईश्वर ने बुलाया और हमारे बीच भेजा। आज भी हमारे बीच नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन उसकी उनकी आत्मा आज भी अमर है, हमारे बीच जीवित है। वे छोटा नागपुर के प्रेरित हैं, कलीसिया ने उन्हें ईस सेवक घोषित किया है और उनके संत बनने की प्रक्रिया जारी है। प्रिय भाइयों बहनों, जरा कल्पना कीजिए अगर आज फादर लीवंस और हमारे बहुत सारे मिशनरी हमारे इस क्षेत्र में नहीं आए होते तो आज हम कहाँ होते, आज हम कौन होते, शायद मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आज हम यहाँ पर हैं तो वही मिशनरियों फादर कॉन्स्टेंट लीवंस जैसे इस सेवक जिन्होंने ईश्वर के वचन को हमारे बीच फैलाया, हम उसके साक्षी हैं। फादर लीवंस का आदर्श वाक्य जैसे था हमारी ज्योति जलती रहे या आग जलती रहे, उसने हमारे बीच शिक्षा की ज्योति जलाई ताकि अज्ञानता दूर हो। आज हम शिक्षित हैं, हमारे बेटे बेटियां शिक्षित हो रहे हैं और उस शिक्षा को और आगे बढ़ा रहे हैं, अज्ञानता दूर हो रही है। फादर लीवंस ने हमारे बीच विश्वास की ज्योति जलाई ताकि अंधविश्वास दूर हो। आज हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं, विश्वास हमें एक वरदान के रूप में मिला है। फादर लीवंस ने न्याय की ज्योति जलाई ताकि अन्याय दूर हो, हम न्याय के लिए काम करते हैं। आज भी हम संघर्षरत रहते हैं न्याय के लिए, सत्य के लिए, अपनी प्रयास अपना जीवन देते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, हमारे मिशनरियों फादर लीवंस फादर हरमन रस्कट जैसे महान मिशनरियों के बदौलत हैं, जिसे हम भूल नहीं सकते हैं। आज हमारी अपनी पहचान है, हमारा अपना अस्तित्व है, हमारी संस्कृति है, हम अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं। संक्षेप में कहें आज हम एक सम्मानित जीवन जी पा रहे हैं। आज हम यहाँ सब जमा हुए हैं यह हमारी फादर लीवंस के प्रति कृतज्ञता है, और यह कृतज्ञता तभी साकार होगा जब हम उनके द्वारा जलाई गई ज्योति को अपने घर परिवारों में, समाज में, देश में जलते पावें। जैसे मैंने शुरू में कहा, विश्वास की ज्योति, प्रेम की ज्योति, शांति, खुशी और आशा की ज्योति को जलाना है। पहले पाठ में हमने मक्काबियों के ग्रंथ में पाठ सुना, मक्काबियों के बारे में। उनका विश्वास इतना मजबूत था, चाहे कुछ भी हो जाए, क्यों ना हम मर जाएं, लेकिन ईश्वर पर जो हमारा विश्वास है, हमारा जो ईश्वर के अनुसार जीवन जीने का तरीका है, उसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे। आज कई बार हम अपने विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, हमें मजबूती पाना है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज विभिन्न परिस्थितियों को लेकर हम अपने विश्वास में कमजोर हो रहे हैं। हमारे बीच प्रेम, शांति, खुशी होनी चाहिए, उसमें कमी आ रही है विभिन्न कारणों से, लेकिन हमें चाहिए
अगर हम फादर लीवंस के आदर्श वाक्य आग जलती रहे, इन्हीं आगों को हमें अपने आप में जलाना है, साथ ही साथ उन आग को, उन ज्योति को हम दूसरों में भी जलाना है। और यह तभी संभव होगा, यह संभव तभी था फादर लीवंस के लिए, क्योंकि वे ख्रीस्त को जानते थे और उनके अविरल प्रेम से सराबोर थे, ईश्वर के प्रेम से भरे हुए थे। और यही अद्वितीय अनुभूति ने उनको हमारे बीच ख्रीस्त की ज्योति को जलाने के लिए, ख्रीस्त की ज्योति को फैलाने के लिए प्रेरित किया। हम ईश्वर पिता को फादर लीवंस के लिए धन्यवाद देते हैं। मिसा के अंत में हम फादर लीवंस की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करेंगे, जिसमें हम ये सुंदर शब्द पाएंगे, वे हमारे बीच ईश्वरीय प्रेम के एक संदेश वाहक थे, वे कठिन परिस्थिति में हमारे बीच यीशु के मुक्ति संदेश की गवाही दी, वे हमारे सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए काम किया, वे अपने समर्पित जीवन द्वारा यीशु को जानने और उनका अनुसरण करने के लिए हमारे बीच तीव्र इच्छा जगाई। आइए हम इन सारे वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। फादर लीवंस इस सेवक के संत बनने की प्रक्रिया चल रही है, जैसे कि शुरू में बताया गया, हमें और अधिक इस मतलब के लिए प्रार्थना करनी है, अपने विश्वास में मजबूती पानी है, ना केवल प्रार्थना करनी है लेकिन हमारे जीवन की बातों एवं कार्यों में हमें यीशु ख्रीस्त का साक्ष्य देना है, वह साक्ष्य जिसे स्वयं फादर लीवंस ने हमारे बीच दिया, हम उसके साक्षी हैं, अभी हमें उसका साक्ष्य देना है। आइए हम प्रार्थना करें। ईश्वर हम सबों को हमारे विश्वास में, हमारे प्रेम, शांति, खुशी और जो आशा है उसमें दिनों दिन कृपा दे, हमें आगे बढ़ाए। हम सबों ने प्रभु के वचन को सुनकर उस पर मनन किया है, जिस प्रभु ने हमें यहाँ एकत्र किया है, आइए हम सब उसी प्रभु पर अपना विश्वास व्यक्त करें। हम सब खड़े हो जाएं।
भाई और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। हे प्रभु पिता, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त और उनके चेलों के द्वारा पूरे दुनिया में प्रेम, सेवा और सद्भावना का प्रचार किया। हमारी कलीसिया के चरवाहे संत पिता फ्रांसिस इसी प्रेम, सेवा और सद्भावना को पुरोहितों, धर्म बहनों और सुसमाचार वाहकों द्वारा पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम विशेष रूप से हमारे चरवाहे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे ईश्वरीय कृपा से प्रेरित होकर कलीसिया के उत्थान के लिए उपयोगी कदम उठा सके। इसके लिए हम तुझसे निवेदन करते हैं। पिता, हम सभी यहाँ उपस्थित विश्वासी भाई बहन प्रभु के सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीवंस और अन्य मिशनरियों के प्रेरित कार्य के फल हैं। उनकी निस्वार्थ सेवा, प्रेम और समर्पित कार्य ने छोटा नागपुर में सुदृढ़ कलीसिया का निर्माण किया। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम सभी विश्वासी इसी सेवा, प्रेम और समर्पण की भावना से कलीसिया के विकास में अपनी सहभागिता दिखाते हुए एक अच्छे ख्रिस्त के रूप में जीवन जी सकें। इसके लिए हम तुझसे निवेदन करते हैं। पिता, तू जानता है कि तेरी दाखबारी में सेवा कार्य करने के लिए कई उदार, कर्मठ, साहसी और समर्पित भाई बहनों की जरूरत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि छोटा नागपुर और देश के विभिन्न राज्यों के ख्रिस्तीय परिवारों में बुलाहट पैदा हो, जिससे ईश्वरीय पुकार सुनकर युवक युवतियाँ, आजीवन पुरोहित, धर्म बंधु या धर्म बहन के रूप में इस राज्य के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित हो सके। हमारे युवा भाई बहनों को विश्वास और अच्छा भविष्य दे। इसके लिए हम तुझसे निवेदन करते हैं। प्रभु ईश्वर, हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित, लाचार और मानसिक रूप से उत्पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू उन्हें चंगाई दे, उन्हें इन बीमारियों से लड़ने के लिए धैर्य और शक्ति दे, ताकि वे तुझ पर भरोसा और आस्था रखकर वे अपने जीवन के इन पहलुओं को सकारात्मक रूप से अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। इसके लिए हम तुझसे निवेदन करते हैं।
प्रभु पिता, हम पूरे संसार में शांति स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं। विभिन्न देशों के बीच आपसी समझौता हो, लोग भाईचारे, मेल मिलाप और आपसी प्रेम में आगे बढ़ें और देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उत्थान के लिए एक साथ मिलकर सामुदायिक कदम उठाएं। हमारे झारखंड राज्य के लोगों को विशेष कृपा प्रदान कर, इसके लिए हम तुझसे निवेदन करते हैं। प्रभु अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अभी सेंट जॉन स्कूल्स की छात्राएं चढ़ावा नाच द्वारा हमारे दान प्रभु को अर्पित करने के लिए ले आएंगे। साथ में फादर शहीद फादर हरमन रास्काट के परिवार से जो मेहमान आए हैं वे भी अपनी ओर से मोमबत्तियां लेकर आए हैं। सिस्टर मटिल्डा से मैं आग्रह करता हूं कि वे नृत्य दल के साथ में उनको ले जाएं और इस चढ़ावा नाच की ओर हम सब आगे बढ़ें, चढ़ावा का गीत गाएं। जो लोग पीछे बैठे हैं, इधर सामने शमियाना में बहुत सारी जगह है, धूप से बचने के लिए आप सामने आकर बैठ सकते हैं। धन्यवाद।
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे इन बलि फार्म पर कृपा दृष्टि डाल। हम तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का स्मरण समारोह मना रहे हैं, उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सके, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पौत्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफीम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। Thank you.
प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में या क्या करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा, तेरे पुनरागमन तक इसलिए है प्रभु हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर और सभी याजकों के साथ विश्वभर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन के सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। और हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमार मरियम, उनके वर्धन संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युगों में तेरे प्रति विश्वास कर बने रहें, तेरी स्तुति गान कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। Baby।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, या हमारे विचार दंड के कारण ना बने बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सुखी नहीं हूँ कि आप मेरे हरावे आत्मा। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे, आमीन। अभी परम प्रसाद का विशेष समय है, हम प्रभु को ग्रहण करने वाले हैं। इस शमियाने के नीचे विशाल भक्त मंडली है। परम प्रसाद वे ही ग्रहण करेंगे जिन्होंने इसके लिए दीक्षा ली है। अन्य सभी लोगों से आग्रह है कि वे प्रार्थनामय वातावरण बनाते हुए बैठे रहें। आपकी प्रार्थना के लिए धन्यवाद। अभी परम प्रसाद वितरण का समय है। सेंट अल्बर्ट्स कॉलेज के सभी आकोलाइट ब्रदर्स
अभी परम प्रसाद का वितरण करेंगे। उनसे आग्रह है कि परम प्रसाद वितरण के लिए आ जाएं। All the theologians are requested to come forward to distribute the Holy Communion. All the theologians kindly come forward. वचन में जीवन आए, ओ हे वचन जीवन के सी
दिल के बहाते देखा तुम्हारा जिक्र प्यार के हम सबों ने परम प्रसाद ग्रहण किया है। आज ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है और इसलिए इस मिस्सा के तुरंत बाद दूसरा भाग है फादर कॉन्स्टेंट लीवेंस के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि और प्रार्थना होगी स्टेज के नीचे में। इसलिए हम सबों के लिए मिशनरियों ने जीवन दिया है। 526 बेल्जियम और अन्य देशों से आए यीशु समाजी, 90 असलाइन धर्म बहने विदेशों से आई थीं, क्रूस पुत्रियां, लोरेटो धर्म बहने और इसी माटी से संतन्ना की पुत्रियां। आज धन्यवाद देने का विशेष दिन है क्योंकि दो दिन बाद खूंट पानी में प्रथम बपतिस्मा के 150 वर्ष पूरे होंगे, उसका समारोह है। धन्यवाद देने का दिन इसलिए भी है कि 150 वर्षों में प्रभु ईश्वर ने हम सबों को दो प्रभु सेवकों को दिया है, फादर कॉन्स्टेंट लीवेंस और फादर हरमन रास्काट। इसके साथ प्रभु सेविका मेरी बर्नादेत किस्पोट्टा,
वो भी ईश सेविका हैं। इन तीनों के लिए हम लोग विशेष धन्यवाद दें प्रभु को, और इसलिए अभी यहाँ से न जाएं, लेकिन आज की विशेष आशीष और सामुदायिक प्रार्थना में सम्मिलित होकर प्रभु का वरदान ग्रहण करते हुए जाएं। धन्यवाद। आज की मिस्सा के बाद में फादर कॉन्स्टेंट लीवेंस के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प श्रद्धांजलि होगी। हमारे रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष अति माननीय फेलिक्स टोप्पो इसकी अगुवाई करेंगे, साथ में येसु संघ रांची के प्रांताधिकारी फादर अजीत कुमार खेस, रांची स्थित सेंट अल्बर्ट्स कॉलेज के रेक्टर श्रद्धेय फादर अजय कुमार खलखो, रांची महागिरजाघर के पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर आनंद डेविड खलखो, संतन्ना की पुत्रियों के धर्म संघ रांची की परमाधिकारिणी श्रद्धेय सिस्टर लिली ग्रेस तोपनो डीएसए सुपीरियर जनरल, टिलडोंग की उर्सलैन धर्म बहनों की सहायक सुपीरियर जनरल श्रद्धेय सिस्टर मटिल्डा डुंगडुंग ओएसयू, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मैरी रांची की भूतपूर्व प्रोविंशियल श्रद्धेय सिस्टर बर्नार्डिन तिर्की SCJM, प्रेरितों की रानी क्वीन ऑफ द अपोसल्स धर्म संघ की वाइस प्रोविंशियल सिस्टर दीपिका डेकुन्हा SRA, रांची पल्ली की कैथोलिक सभा से श्री पेत्रू सेक्का, रांची पल्ली की महिला संघ से श्रीमती फ्रांसिस्का खलखो, रांची पल्ली युवा संघ से श्री अभिषेक सागर, ये सब पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। चूंकि इतनी बड़ी भीड़ को हमारे महागिरजाघर में समा पाना मुश्किल होगा, इसीलिए यहीं पर हम लोग श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन आप सबों से गुजारिश है, आज का विशेष दिन हम सबों के लिए है, आप रांची के महागिरजाघर में जाकर के ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीवेंस की मध्यस्थता से जरूर प्रार्थना कीजिएगा। संत इग्नासियस लोयोला ने संत फ्रांसिस जेवियर को भारत भेजते समय कहा, इते इन इनफ्लामाते ओमनिया, जाओ पृथ्वी पर आग लगा दो। उसी तरह ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीवेंस ने प्रचारकों को गांव गांव भेजते हुए यही कहा, आग जलती रहे, फायर मस्ट बर्न, वियर मोतेत ब्रेंडन। आज उसी आग की ज्वाला हम सबों के विश्वास में परिलक्षित होती है। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, हमारे जीवन में विश्वास की उसी आग को बनाए रखें, और इसलिए माल्यार्पण और पुष्प अर्चना के बाद में अन्य लोग तैयार रहेंगे, बंधु संदीप बड़ा, बंधु अवनीश येसु समाजी। सेंट अल्बर्ट सेमिनरी के धर्म बंधु अजीत कुजूर और धर्म बंधु अविनाश मिंज, धर्म बहन रोहिता एक्का DSA और अर्सलैंड की धर्म बहन सिस्टर सोरेंग, कैथोलिक सभा से श्री विजय तिग्गा और श्री रंजीत बाड़ा, रांची पल्ली युवा संघ से सुश्री सौम्या कुजूर और मास्टर जॉन टूटी, रांची पल्ली क्रूसपीर दल से निहारिका लकड़ा और सुप्रतिम बाड़ा।
इसी समय फादर कॉन्स्टेंट लीवन्स की श्रद्धांजलि देते हुए हम उनके सम्मान में फादर जस्टिन तिर्की रचित गीत भी गाएंगे। अंतिम प्रार्थना के लिए हम खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु तेरी कृपा का प्रभाव हमें बढ़ता जाए, ताकि तेरे इन संस्कारों से बल पाकर हम सारी स्वर्गिक सुख के योग्य बनते जाएं, जिसकी प्रतिज्ञा ये संस्कार करते हैं। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। आमीन। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धार्मिक कार्यों में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करे। ईश्वर आप लोगों के कदम अपनी ओर अग्रसर करे और आप लोगों को शांति और प्रेम के मार्ग पर ले चले। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को हम सब बड़े भक्तिपूर्ण ढंग से अपनी जगह पर खड़े रहें अथवा बैठ जाएं। सब कोई बैठ जाएं कृपया।
हमारे महाधर्माध्यक्ष ने अभी माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। अभी रांची येसु संघ के प्रांताधिकारी फादर अजित कुमार खेस श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद सेंट अल्बर्ट कॉलेज के रेक्टर श्रद्धेय फादर आनंद डेविड खलखो, फादर अजय कुमार खलखो माफ कीजिएगा। इसके बाद रांची महागिरजाघर पल्ली के पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर आनंद डेविड खलखो। इसके बाद संतन्ना की पुत्रियों के धर्म संघ रांची की परमाधिकारिणी श्रद्धेय सिस्टर लिली ग्रेस टॉपनो दिए से। इसके बाद टिलडोंग की अर्सलाइन की धर्म बहनों की सहायक सुपीरियर जनरल श्रद्धेय सिस्टर मटिल्डा डुंगडुंग ओएसयू। इसके बाद सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मैरी रांची की भूतपूर्व प्रोविंशियल श्रद्धेय सिस्टर बर्नार्डिन तिर्की SCJM। इसके बाद सिस्टर दीपिका डेकुन्हा SRA वाइस प्रोविंशियल प्रेरितों की रानी के धर्म संघ। और मैं आग्रह करता हूं इसके बाद बेल्जियम से आए हुए हमारे अतिथिगण क्रिस्टीन रास्काट और अन्य सभी। रांची कैथोलिक सभा से श्री पेत्रस एक्का, रांची पल्ली की महिला संघ से श्रीमती फ्रांसिस्का खलखो, रांची पल्ली युवा संघ से वाइस प्रेसिडेंट नेहा खलखो, और फादर ओरल ब्रिस मिशनरियों में से फादर ओरल ब्रिस ही एकमात्र मिशनरी अभी हैं बेल्जियम से हमारे बीच में येसु समाजियों में।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए इस सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीवंस को एक प्रेरित के रूप में हमारे बीच भेजा। उसकी मृत्यु की 129वीं वर्षगांठ की यादगारी में तेरी उपासना में हम यहाँ उपस्थित अपने विश्वासियों को ख्रिस्तीय विश्वास में सुदृढ़ बना और उनके अथक परिश्रम द्वारा प्रज्वलित सुसमाचार की ज्योति को दूसरों तक निरंतर फैलाने में हमारी मदद कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अब हम लोग इस सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीवंस के चुने पत्रों के कुछ अंशों से पाठ सुनेंगे जिन्हें उन्होंने अपने सहपाठियों और प्रोविंशियल सुपीरियर को लिखा और जमींदार एवं पुलिस के आरोप के उत्तर में कहा था। इनमें हम लीवंस के मन में जिन बातों की चिंता रहती थी अथवा उनके अंतर में किस प्रकार के विचार भाव उठते थे उनकी थाह ले सकते हैं। १८७८ में लीवंस रुसलार हाई स्कूल और माइनस सेमिनरी से अपने एक सहपाठी अल्बर्ट रोडेनबेक को लिखते हैं, मैं नहीं जानता हूं कि आगे मेरा क्या होगा, मैं नहीं जानता हूं कि तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि भविष्य का पर्दा हमारे लिए बंद हो चुका है। मैं नहीं जानता हूं कि हम किस रास्ते से प्रवेश करेंगे, लेकिन एक चीज मैं निश्चित रूप से जानता हूं, मैं ईश्वर के महान कार्य का शूरवीर योद्धा बनना चाहता हूं, और जो कुछ भी तुच्छ और बेकार है, जो घिनौना और अमानवीय है, उसे मैं अपने पैरों तले कुचलना चाहता हूं। 22 नवंबर 1887 को लीवंस तोरपा से अपने प्रोविंशियल सुपीरियर को लिखते हैं, मैं आप लोगों के बीच आप सबों की अनंत खुशी के लिए आया हूं, लेकिन इस जीवन में भी मैं आप लोगों को खुशी दे सकता हूं। आप मुझे अपनी पीड़ा सुनाएं, मैं आप लोगों की कानून सम्मत सहायता करूंगा। यकीन कीजिए, आप लोगों की तुलना में मैं कानून को बेहतर ढंग से जानता हूं। 15 नवंबर 1888 को लीवंस गुमला क्षेत्र के नवागढ़ और पालकोट के विषय में प्रोविंशियल सुपीरियर को लिखते हैं, मेरा जीवन ईश्वर के हाथ में है और मैं इसे अपने प्यारे आदिवासियों के मन परिवर्तन के लिए खुशी से दे दूंगा, यहां तक कि क्रूर मृत्यु भी। इस बार मैं बाल बाल बच गया, किंतु मैं कितनी भी सावधानी बरतूं, तुरंत अथवा देर, मैं उनके हाथों में पड़ सकता हूं, और वे नवागढ़ और पालकोट के जमींदार मुझे क्रूरतापूर्वक मार डालेंगे। 1890 में जमींदार और पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप पर फादर लीवंस का जवाब, हम पर्याप्त शिक्षा के बाद ही बपतिस्मा देकर किसी को ईसाई बनाते हैं। मैं यह खंडन करता हूं कि मैंने किसी आदिवासी से यह कहा कि वे अपने जमींदार को जायज मालगुजारी ना दें अथवा बैठ बिगारी ना करें। अब प्रतिनिधियों द्वारा ईश सेवक कॉन्स्टेंट लीवंस की छोटी तस्वीरों का की मुख्य तस्वीर के दोनों बगल में वे रखेंगे, जिनका नाम मैंने पढ़ सुनाया था, वे आ रहे हैं। जिन बातों को हमने सुना वही बातें इन तस्वीरों में छपी हुई है।
अभी इस सेवक फादर कॉन्स्टेंट लिवन्स की मध्यस्थता के लिए विशेष अर्जी प्रार्थना होगी। आप सभी कृपया खड़े हो जाएं। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, हमारे प्रेमी पिता, तूने अपने असीम करुणा से फादर कॉन्स्टेंट लिवन्स को हम छोटा नागपुर के लोगों के बीच तेरे असीम प्रेम के एक संदेश वाहक के रूप में भेजा। उन्होंने कठिन समय में हमारे पूर्वजों के लिए यीशु के मुक्ति संदेश की गवाही दी। उन्होंने हमारी जरूरतों को पूरा किया और हमारे सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए काम किया। उनके समर्पित जीवन ने यीशु मसीह को जानने और उनका अनुसरण करने के लिए हमारे पूर्वजों में तेज इच्छा जगाई। आज भी वही विश्वास और धन्यवाद की भावना हमारी युवा कलीसिया में ज्वलंत है। तुझसे हमारा निवेदन है कि तेरे पवित्र आत्मा की ज्वाला ही हमारी प्रार्थना और तेरे राज्य की स्थापना के कार्यों को उद्दीप्त करती रहे। हम भरोसे के साथ विनय करते हैं कि तेरे सेवक फादर कॉन्स्टेंट लिवन्स कलीसिया द्वारा धन्य घोषित किए जाएं, ऐसा कर कि हम उनके उदाहरण से सहज प्रेरणा ग्रहण करके और उनकी मध्यस्थता से मसीही विश्वास में बलिष्ठ बने। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा फूल प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। अभी हम छोटा नागपुर की मां मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना के गीत गाएं। छोटा नागपुर की रक्षा कर मरिया।
हे प्रभु ईश्वर, तूने ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीवंस को छोटा नागपुर में अपने पुत्र ईसा मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए अद्भुत कृपा से विभूषित किया और उन्हें अन्याय एवं शोषण से पीड़ित आदिवासियों की दास्ता से छुटकारा और न्याय तथा शांति का दूत बनने का गौरव दिया। जब हम उनकी मृत्यु की 129वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लोगों की सेवा में उनके प्रेरित उत्साह, अदम्य साहस और उत्सर्ग की भावना से हम भी अपने विश्वास को जीने में निरंतर उत्साह और बल पाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। सबको एक कृपया बैठ जाएं। अभी सेंट जॉन स्कूल के उप प्राचार्य फादर विनोद टप्पू धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। आग जलती रहे, फायर मस्ट बर्न। अदम्य साहसी एवं उत्साही पुरोहित ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीवंस येसु समाजी, जो छोटा नागपुर की कलिसिया द्वारा छोटा नागपुर के प्रेरित और लिबिन साहेब के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने यह उपाधि महज 7 साल में अपने अथक प्रयास एवं प्रेरितिक उत्साह के दम पर छोटा नागपुर में विश्वास की ज्योत जलाकर किया। इस महान विभूति की स्मृति में सेंट जॉन्स स्कूल रांची के परिसर में एकत्रित मसीही विश्वासियों की इतनी बड़ी संख्या देखकर हृदय उद्गार से भर गया है। ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीवंस की 129वीं पुण्यतिथि समारोह में शिरकत उपस्थित सभी विश्वासियों को आभार व्यक्त करने के लिए आयोजन समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं चंद पलों का समय लूंगा। सर्वप्रथम ईश्वर की महती दया का स्मरण करते हुए उनका कोटिश धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने फादर कॉन्स्टेंट लीवंस जैसे अमूल्य निधि, जो कुबेर की 9 निधियों से परे, को हमारे लिए दिया, जिसकी याद हम गदगद हृदय से कर रहे हैं, उनके नाम पर एकत्र हुए हैं, ईश्वर को अकीदत के फूल अर्पित करते हैं। हमारे अति माननीय बिशप स्वामी फेलिक्स टोप्पो, रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष को सहृदय धन्यवाद। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे लिए मिस्सा पूजा की अगुवाई की, इस प्रोग्राम के लिए स्वयं को उपलब्ध कराया एवं इसकी सफलता के लिए निर्देशन भी दिया। आपने हमारे लिए एवं स्थानीय कलिसिया के लिए प्रार्थना की है। इस प्रोग्राम के तुरंत बाद वे मीटिंग के लिए रवाना होंगे। स्वामी जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आदरणीय फादर अजित कुमार खेस, प्रोविंशियल येसु समाज रांची प्रोविंस, आपको हम पूरे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने इस आयोजन समिति का गठन किया और उसका मार्गदर्शन किया और आज आपने
अपने मधुर वचनों से हमें ईश्वरीय वाणी का पान कराया है। हम संपूर्ण हृदय से धन्यवाद देते हैं, कोटिश धन्यवाद। फादर आनंद डेविड खलखो, पल्ली पुरोहित, संत मरिया गिरजाघर रांची, एक कर्मठ व्यक्ति हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अनेकानेक क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसका जिक्र करते हुए एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी। आपको हमारा आभार, हम आपकी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद देते हैं। फादर एलेक्स एक्का यीशु समाजी, रेक्टर संत जेवियर्स कॉलेज रांची को विशेष धन्यवाद। आपने इस आयोजन का नेतृत्व लेते हुए इस कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक संपन्न कराया है। आपने बहुत दौड़ धूप की, बहुत चिंतित दिखे, आपकी मेहनत रंग लाई, सहृदय धन्यवाद। साथ ही आयोजन समिति के प्रत्येक सदस्य को, जिन्होंने कड़ी मेहनत की, इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फादर फ्लोरेंस कुजूर यीशु समाजी, प्रिंसिपल सेंट जॉन्स स्कूल रांची, जिन्होंने इस परिसर को उपलब्ध कराया एवं स्वयं इस आयोजन की सफलता के लिए छोटी सी छोटी चीज़ों को बारीक से कार्यान्वित करने में अहम भूमिका अदा की है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी धर्म समाज के धर्माधिकारियों, प्रोविंशियल्स, सुपीरियर्स, रेक्टर्स को आपके सहयोग के लिए और आपकी सहभागिता के लिए हम विशेष धन्यवाद देते हैं। मैं सभी रिलीजियस फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, कैंडिडेट्स एवं सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पर आ कर के हमें अनुग्रहित किया है और प्रार्थनाएं चढ़ाई हैं। मैं फादर जस्टिन तिर्की यीशु समाजी और उसके संगीत दल को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मधुर संगीत द्वारा मिस्सा बलिदान को भक्तिपूर्ण एवं प्रार्थनामय बनाया है। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मला कॉलेज की छात्राओं एवं सिस्टर शिक्षिकाओं को प्रवेश नृत्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुंदर नृत्य द्वारा प्रभु की वेदी के पास पूरे मन और दिल से आने का आह्वान किया, दिल से धन्यवाद। कांके पारिश के माता पिता भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक सुंदर झांकी और नृत्य के माध्यम से बाइबल जुलूस की और हम सभी को अनुप्राणित किया है, आपको पूरे हृदय से धन्यवाद। सेंट जॉन्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सभी छात्र छात्राओं को सुंदर चढ़ावा नाच के लिए हम बधाइयां एवं धन्यवाद देते हैं। उर्सलाइन कॉन्वेंट पुरलिया रोड को सुंदर आरती के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संत अन्ना बालिका छात्रावास रांची को झंडा लेकर अगुवाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विसर्जन नाच जो अभी होने वाला है उसके लिए संत अन्ना नव शिष्यालय नोविशिएट के सभी कैंडिडेट्स और नोविसिस रोमिस मिस्ट्रेस एवं अन्य सिस्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। वेदी की सुंदर साज सज्जा जिसे आप सामने देख रहे हैं, सिस्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। उस लाइन स्टडी हाउस ने इसको
अपने ऊपर लिया और बहुत समय दे करके हमारे लिए यह साज सज्जा बनाई है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पार्किंग स्पेस देने के लिए संत अल्बर्ट्स कॉलेज, लॉयला ट्रेनिंग सेंटर, सोशल डेवलपमेंट सेंटर, संत अलोयसिस स्कूल, संजीवस कॉलेज, मनरेसा हाउस, माइनस सेमिनरी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना प्रभारी लोअर बाजार थाना और पुलिस बल एवं प्रशासन को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। उन्होंने हमारे लिए सुंदर व्यवस्था की है और किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। आवागमन की सुविधा मुहैया कराने के लिए बस देने के लिए मैं संजीवस स्कूल डोरंडा और सेंट जॉन्स स्कूल को धन्यवाद देता हूँ। सुंदर टेंट और साउंड की व्यवस्था करने के लिए नवीन और उनके सहयोगी और अन्य कार्यकर्ताओं को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। कैथोलिक सभा, महिला संघ, युवा संघ, एनसीसी और अन्य हमारे स्टूडेंट काउंसिल, सेंट जॉन्स स्कूल, माइनस सेमिनरी, सेंट जॉन्स बोर्डिंग के सभी सदस्यों को मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था दे करके हमें इस सुंदर आयोजन को और भी सफल बनाया है। आपको तहे हृदय से धन्यवाद। आप सभी विश्वासी गण को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारे सामने जब हम मीटिंग कर रहे थे उहापोह की स्थिति थी, केवल 10 दिन बाकी थे और उस 10 दिनों में हमें इस आयोजन को करना था। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने सूचना पा करके यहाँ पर आए और इस मिस्सा बलिदान में भाग लिया। रांची पल्ली के एवं अन्य पल्लियों से आए हुए सभी विश्वासियों को मैं तहे हृदय से धन्यवाद कहता हूँ। हमारे पास मीडिया के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे रांची आज डायसिस का मीडिया समूह, आपको बहुत धन्यवाद। आपने हमारे पूरे कार्यक्रम को कैप्चर किया है और प्रसारित किया है। अन्य जगहों के विश्वासी उस पे शामिल हुए हैं। आप सभी को बहुत धन्यवाद। आप इस क्षेत्र में बढ़ते जाएं, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। साथ ही हमारे स्क्रीन शॉट दिखाने वाले जितने भी टेक्नीशियन हैं, उनको भी मैं विशेष धन्यवाद कहता हूँ। और जो भी छूट गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम लेना कतई संभव नहीं है, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग दिया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर से यही दुआ है कि ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। और यह कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आप कॉन्स्टेंट लिवेंस के उन वचनों को अपने जहन में, अपने हृदय में बिठा करके जाएं और उनके द्वारा जलाए ज्योत को अपने हृदय में जलाते हुए अन्यत्र भी इस ज्योत को जलाते रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। धन्यवाद फादर विनोद टप्पो। वास्तव में आज हम सबों के लिए बहुत ही सुंदर समय है। हम लोगों ने एक साथ 3 घंटे बिताए हैं। इसे आयोजित करने के लिए हमारे पास, जैसा कि धन्यवाद ज्ञापन करने वाले फादर विनोद ने कहा, समय नहीं था। हमारे आर्च बिशप थाईलैंड में थे, हमारे प्रोविंशियल भी तमिलनाडु में थे और इसलिए एक बार विचार आया कि हम लोग कैथीड्रल में ही करें, लेकिन ऐसा करना वहाँ संभव नहीं था।
और मात्र 20 दिनों में सबके सहयोग से ये सब संभव हुआ। हम हमारे आर्च बिशप प्रोविंशियल और आप सभी के लिए सबको एक बार जोरदार ताली बजाएं। और यहाँ से जाने से पहले जो प्रार्थना का जो कार्ड है उसको आप लेते जाइए और परिवारों में भी पारिवारिक प्रार्थना में जरूर कीजिएगा, जिससे प्रभु की कृपा हम सबों को मिलती रहेगी। यहाँ स्टेज पर फादर लीवंस के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के लिए बहुत सारी टोकरियाँ बची हुई हैं, शायद 12 टोकरे बचे हैं। इसलिए आप अपनी भक्ति के अनुसार आइए और यहाँ पुष्प अर्चना कीजिए और साथ में कैथेड्रल में जाकर के फादर लीवंस के मृत अवशेष जो है वहां पर भी आपकी प्रार्थना वांछनीय है। इसके साथ हम सब ईश्वर को धन्यवाद दें और मैं कहूंगा आग तो आप बोलेंगे जलती रहे। हम सब खड़े हो जाएं। सबसे पहले मैं कहूंगा ईश सेवक कॉन्स्टेंट लीवंस, आपका जवाब होगा हम तुझे प्यार करते हैं। ईश सेवक कॉन्स्टेंट लीवंस, हम तुझे प्यार करते हैं। ईश सेवक कॉन्स्टेंट लीवंस, हम तुझे प्यार करते हैं। आग जलती रहे, आग जलती रहे, आग जलती रहे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी संतन्ना की नवशिष्या बहने विसर्जन नाच के द्वारा इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। इसके साथ और एक सूचना है, 3 घंटे हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी माताएं कुछ पकवान बनाकर उधर स्टॉल लगाई हुई हैं, आप जरूर से जरूर अपनी शुद्धा शांत कर लीजिएगा। मेरी बाईं ओर उनका दिल भी छोटा न कीजिएगा, जरूर दानी बनिएगा। धन्यवाद।
अगर मेरी आवाज आज तक आपके कानों तक पहुंच रही है तो एक सूचना छूट गई थी, वो ये है कि फादर लीवंस के सम्मान में मनरेसा हाउस परिसर में एक नया म्यूजियम खुलने वाला है, तो उसका फाउंडेशन आज 4 बजे है। आप सभी आमंत्रित हैं। आज 4 बजे मनरेसा हाउस परिसर में। Thank you.